इतने बजट में आपको इतना सब कुछ, ओह बाद में को थैंक यू बोला। ऐसा विला बताओ जहाँ पे प्राइवेट स्विमिंग पूल हो, हम हमारे बड़े से ग्रुप के साथ जा सकते हैं, एट द सेम टाइम बजट में भी हो। दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑन माय चैनल गाइस, एंड आज की वीडियो में आपको इसी का जवाब मिलने वाला है। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल चॉक पंच रिपीट, एंड वेलकम बैक टू येट अनदर स्टेकेशन ब्लॉग। आज हम लोग आए हैं कासा ब्रीज में, वी आर हियर इन लोनावला इन दिस ब्यूटिफुल विला। इट्स अ 4 BHK विला, आई हैव सीन द प्रॉपर्टी, इट्स वाओ। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ का कंप्लीट प्रॉपर्टी टूर, रूम टूर, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेगी, इसी के साथ मेरा कंप्लीट स्टेकेशन एक्सपीरियंस एंड यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन जो आप लोग सुनना पसंद करोगे इफ यू वांट टू बुक योर नेक्स्ट स्टे हियर। लाइक आई टोल्ड यू, दिस इज अ 4 BHK विला। ये लोनावला रेलवे स्टेशन से सिर्फ 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे अगर आप ऑटो से आते हो, एंड यू नो लोनावला सिटी से भी काफी पास में है। उसी के साथ दिस प्लेस ऑल्सो हैज अ वेरी नाइस बाथटब एंड एवरीथिंग दैट आई कांट वेट टू शो इट यू ऑल। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रॉपर्टी टूर, लेट मी इंट्रोड्यूस myself for those जो मेरे चैनल पे नए आए हैं। Hi guys, my name is Shama and I create content about food and lifestyle here on Chopman's Repeat. So if you enjoy watching my videos and find them helpful, don't forget to hit that like button. Also subscribe to my channel. And with that, let's just start with the property tour. आप लोगों को आज मजा ही आने वाला है, चलो। So this is the entrance of Casa Breeze. Welcome to our stay for today. The moment you enter, you see this massive living room area. Oh my God, you can look at the setup, guys. ऑलरेडी हॉलीडे वाइब आ रही है। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी ये एक ग्रुप सेटिंग बनाई हुई है। इसी के सामने देयर इज दिस वेरी नाइस फुशिया पिंक चेयर, ओ माय गॉड इट लुक्स रॉयल। देयर इज अ टेलीविजन, देन देयर इज दिस डाइनिंग एरिया, इस पे भी आराम से 6 लोग बैठ सकते हैं। देयर इज ऑल्सो दिस किचन स्पेस। सो इन्होंने ना बेसिक किचन के सारे इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं। यू कैन सी देयर इज अ माइक्रोवेव। ज्यादा हाईफाई कुकिंग करने मत जाना, मैगी वैगी कुछ बनाने हो या फिर यू नो कोई बेबीज वेबीज आ रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। एंड लिविंग एरिया से डायरेक्टली वी वॉक इनटू आवर पूल एरिया। ये सो दिस विला हैज एन अटैच्ड प्राइवेट पूल। दिस इज अ वेरी नाइस 24 फीट लॉन्ग स्विमिंग पूल। यहाँ से ना ऐसे कैस्केड वाटरफॉल भी आता है। अभी आवाज आ रही थी तो मैंने बंद किया है। एंड इन्होंने ये बहुत प्यारे प्यारे फ्लोटीज भी रखे हुए हैं। यू नो किड्स कैन हैव अ लॉट ऑफ फन हियर, एंड किड्स लाइक अस जो कभी बड़े भी होना चाहते हैं, वी कैन ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ फन हियर। ऊपर आप लोग देख सकते हो ये सब प्रिटी प्रिटी फेरी लाइट्स लगी हुई है, ये रात को हम लोग चालू करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इज पूल के साइड में ही ना यहाँ पे ये वॉशरूम दिया हुआ है। दिस इज मिरर, एंड यू नो अगर किसी को चेंज एंड ऑल करना हो, यूज करना हो, तो एक वॉशरूम यहाँ पे है। दे हैव ऑल्सो केप्ट सम रियली नाइस फन गेम्स हियर। देयर इज द स्केटबोर्ड, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, कैरम, बहुत कुछ है। ये ऐसे ओपन स्पेस है। ये विला गाइस वीकडे पे आपको सिर्फ 6000 में मिलेगा। 6000 में ये लोग इसको 5 लोगों के ग्रुप को देते हैं। एंड अभी लिविंग एरिया से सीधा चलते हैं बेडरूम्स की तरफ। ये लिविंग एरिया बाय द वे गाइस दिस इज नॉट एयर कंडीशन, बट ऑल द 4 बेडरूम्स आर एयर कंडीशन। ओ एंड देयर इज अ फ्रिज टू। सो यहाँ से जैसे आप ऊपर जाते हैं एक एक करके बेडरूम्स है। सो दिस इज द फर्स्ट बेडरूम दैट वी हैव हियर। ओ माय गॉड, आई सी सम स्नैक्स, आई एम सो हंग्री। ओके, सो काफी स्पेशियस बेडरूम है, एंड इसी के साथ आपको यहाँ पे ये अटैच बालकनी है, एंड यहाँ से सीधा ये सुंदर सा पूल है। बाय द वे गाइस, जो भी बेडरूम्स यहाँ पे है ना, सबको ये स्विमिंग पूल का व्यू है। एंड ईच बेडरूम हैज अ टेलीविजन, एट द सेम टाइम अटैच्ड वॉशरूम लाइक दिस। ये वाला बेडरूम काफी स्पेशियस है। इसके ऊपर के भी बेडरूम्स में आपको एक एक करके दिखाती हूँ। सो दिस इज अ 3-story बंगलो। यहाँ पे ना हर एक फ्लोर पे एक बेडरूम है एंड एक ग्राउंड फ्लोर पे है। तो दिस इज द सेकेंड फ्लोर वाला बेडरूम। वंस अगेन अ वेरी स्पेशियस बेडरूम स्पेस, राइट फ्रॉम द सीलिंग टू द बेड, सो नाइसली मेड, एंड द लिनन्स, एवरीथिंग लुक्स जस्ट परफेक्ट। इस बेडरूम से भी अटैच्ड यहाँ पे काफी बड़ी बालकनी है। बालकनी क्या भाई साहब, ये पूरा टेरेस के बराबर है। दे हैव केप्ट सम सिटिंग हियर आल्सो, यू कैन यू नो चिल हियर। बहुत अच्छा स्पेस है। एंड यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी नीचे आपको पूल दिखता है। इमेजिन यूर प्लेइंग हियर, योर फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग हियर लाइक ये हाय, एकदम ऐसी वाली वाइब है। एंड नाउ लेट मी शो यू द थर्ड बेडरूम दैट वी हैव हियर। ओ नो 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 वेट, एंड इस रूम का बाथरूम और भी स्पेशल है, बिकॉज हियर वी हैव अ बाथ
property tour route. I just wanna get in this. They put some nice candles and everything looks just perfect. Imagine, मतलब इतने budget में आपको इतना सब कुछ. Oh, बाद में मेरे को thank you बोला. Once again, a very spacious bedroom. यहाँ पे एक full length mirror भी है. सारे rooms में full length mirrors है and TV है. And then यहाँ से भी आप बाहर देख सकते हो. There's a balcony and a very nice view. Ooh. यहाँ पे भी ये एक attached washroom है. ये ना best part है. मतलब couples and all भी अगर आ रहे हैं ना तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि उनको privacy भी मिलेगी. At the same time, you know, you can chill with your group. यहाँ पे इन्होंने closets भी दिए हुए हैं जहाँ पे आप अपना सामान store कर सकते हो. एक बेडरूम यहाँ पे नीचे भी है इनकेस आपके ग्रुप में कोई सीनियर सिटीजन है या कोई ग्राउंड फ्लोर पे रहना चाहता है. सो वी हैव अ वेरी कंफर्टेबल बेडरूम हियर एज वेल. वंस अगेन अ कंप्लीटली एयर कंडीशन बेडरूम. दिस इज अ बिट स्मॉलर देन द अदर बेडरूम्स बट वंस अगेन इट हैज अ वेरी कॉम्फी बेड एंड एन अटैच्ड वॉशरूम हियर टू. सो यू नो यहाँ पे वॉशरूम दिया हुआ है तो आप लोग यू नो अगर लिविंग एरिया में चिल मार रहे हो तो आप लोग ये वॉशरूम भी यूज कर सकते हो. ओवरऑल काफी अच्छा विला लग रहा है. आई थिंक गाइस इट्स अ ग्रेट डील. एवरीथिंग लुक्स एक्सट्रीमली क्लीन एंड वेरी नाइसली केप्ट. एंड विद दैट वी गोना फिनिश आवर प्रॉपर्टी टूर राइट हियर. आई होप यू ऑल एंजॉयड इट. अभी मुझे यहाँ पे फोटो खींचनी है. चलो बाय. So, जैसे मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे टिफिन सर्विस है जिसमें आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में बहुत अच्छा एकदम सात्विक भोजन मिलता है. दिस लुक्स सो गुड. इतनी ज्यादा वैरायटी है ना. पूरन पोली से लेके दीज कटलेट्स कचोरी आई डोंट नो व्हाट इज इट. देन देयर इज गुलाब जामुन. देयर इज छास. इतनी गर्मी हो रही है बाहर ना. दिस इज द मस्ट हैव. देख के भूख लगी. पहले मुझे इतनी भूख नहीं लग रही थी. अब देखने के बाद मुझे ज्यादा भूख लग रही है. फूड इज सो गुड गाइज. इनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. आप लोग आओगे ना ऑर्डर करना. बहुत ही अच्छा है. बहुत अच्छा रेस्टोरेंट के टिपिकल फूड से बहुत अच्छा है. यहाँ पे वैसे आप लोग स्विगी जोमैटो भी कर सकते हो क्योंकि ये लोनावला सिटी के काफी पास में है. सो यू नो यू कैन ऑर्डर फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स एंड एवरीथिंग. सब कुछ आपको आराम से डिलीवरी मिल जाएगी. बट दिस एक्सपीरियंस यू विल नॉट गेट. Video guys, I hope you all enjoyed this staycation vlog. This is a completely pet friendly property. आप अपने प्यारे प्यारे pets को लेके यहाँ पे आ सकते हो. What I like the most is the pool area and the spacious bedrooms. हर एक bedroom में attached washroom है. उसी के साथ एक washroom यहाँ पे नीचे pool area के पास भी है. तो आप अगर काफी बड़े group में भी आओगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा. लोनावला station से सिर्फ 10 minutes के distance पे है ये. यहाँ से आपको market, मैप्रो garden, बहुत सारे यू नो ऐसे घूमने वाले spots पास में है. Booking से related सारी डिटेल्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. और भी कोई डाउट्स होंगे बेझिझक होके मुझे कमेंट्स में पूछना. इस वीडियो का शाउट आउट जाता है रोज शर्मा को. थैंक यू सो मच रोज फॉर योर लवली कमेंट ऑन माय चैनल. इफ यू गाइस वांट टू बी पार्ट ऑफ माय नेक्स्ट वीडियो यू नो व्हाट टू डू. जस्ट ड्रॉप अ कमेंट डाउन बिलो. अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर करो. साथ में ऐड करो #chopmunchfam. जिस किसी का कमेंट मुझे अच्छा लगेगा उसे मेरी अगली वीडियो में शाउट आउट मिलेगा. मैं मिलूंगी आपको दोबारा ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय गाइस. लव यू. टेक केयर.